रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से पहले, ये वर्ड ना रिलेटिव सिर्फ वेलोसिटी के लिए यूज नहीं होता, बहुत और जगहें हैं, बहुत और कॉन्सेप्ट है जिसमें रिलेटिव यूज भी होता है। जैसे मेरे मैथ में नंबर 94 आए बोर्ड में, चलो चलो और कम कर लो, 4 90 आए, ठीक है, और मैं बहुत खुश था, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे पता लगे मेरे दोस्त के तो 99 आए, देखो रिलेटिव रिलेटिव कंपैरिजन हो गया, तो वहाँ पर मेरी खुशी ख़त्म हो गई, मैंने कहा गड़बड़ हो गई। फिर मुझे ये पता लगा एक और दोस्त के 40 आए, मैं बहुत खुश हो गया। तो देखो अब इसका मतलब क्या है, रिलेटिव का मतलब किसी दूसरे को देख के अपनी इवेल्युएशन करना, यही है रिलेटिव, यही है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। आपकी दो ड्राइवर्स हैं, दो ड्राइवर्स हैं, एक ए ड्राइवर है एक बी ड्राइवर है, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और दोनों गाड़ियां रेस्ट पे हैं। ए से पूछा तेरी स्पीड क्या है, ए बोलता है वेलोसिटी क्या है, वो कहता है 0। बी से पूछा वेलोसिटी क्या है, वो कहता है 0, ठीक है दिख ही रहा है 0। लेकिन इमेजिन करो अगर ए चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना 60, बी भी चल रहा है साथ साथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 60, ए से पूछा बी को देखते हुए, तो सिर्फ बी को ही देखियो और दुनिया में किसी चीज़ को देखियो मत, सड़क को तो बिल्कुल मत देखियो, वो तो रेस्ट पे है। तो ए ने जब बी को देखा तेरी स्पीड क्या है, तो आंसर क्या आया वेलोसिटी क्या है, वो कहता 0, क्योंकि 60 की खुद के साथ चल रहा है, 60 भी पड़ोसी के साथ चल रहा है, तो 60 और 60 0। लेकिन जब उसको पूछा अब तू बी को देखना बंद कर दे, अब तू ग्राउंड को देख तेरी स्पीड क्या है, वो फिर वापस बोलता है 60। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये सब आंसर रिलेटिव के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ये आएगा कि ए ड्राइवर और बी ड्राइवर दो गाड़ियां चलेंगी, ए को क्या लगा बी को देखते हुए उसकी स्पीड क्या है, या बी को क्या लगा ए को देखते हुए उसकी स्पीड क्या है, इसे बोलते हैं कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या चीज? तो अपने मतलब अपने मार्क्स को इवेल्युएट करना पड़ोसी के मार्क्स को देख के, इसे बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव मार्क्स नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बात करते हैं। तो अपनी वेलोसिटी को इवेल्युएट करना दूसरे को देखते हुए, अब दूसरा तो कोई भी हो सकता है। तो ए ड्राइवर जा रहा है, ए की स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा कि 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, ग्राउंड, क्योंकि न्यूटन ने कहा था ये दुनिया रिलेटिव से काम करती है, कोई भी स्टेशनरी नहीं है, हर कोई रिलेटिव है। इतना रिलेटिव है कि हम ये मानते हैं कि एक कार अगर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, और 60 किलोमीटर पर आर विद रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड क्या माना जाता है, रेस्ट। पर न्यूटन ये कहता है कि आप अर्थ को भी छोड़ दो, आपको तो अर्थ भी गोल गोल घूमती दिखेगी, तो अर्थ कहाँ से रेस्ट पे है, तो आप कहाँ बैठे थे, आप मान लो किसी और प्लैनेट पे बैठे थे, आपने अर्थ को घूमता हुआ देख लिया, फिर पता लगा वो प्लैनेट छोड़ दो, वो कहता है आपको तो पूरा यूनिवर्स ही घूमता हुआ दिखेगा, तो कोई भी चीज़ रेस्ट पे दुनिया में है ही नहीं। पर क्योंकि ये तो इनफाइनाइट स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको किसी को तो रेस्ट पे मानना पड़ता है, तो हम ये मानते हैं कि हम अर्थ पे रहते हैं, अर्थ हमारे लिए एट रेस्ट है, अदरवाइज अर्थ भी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं सन के आसपास, तो अर्थ की और हमारी स्पीड एग्जैक्टली सेम है, हमें अर्थ रेस्ट पे नजर आती है, अर्थ को हम रेस्ट पे नजर आते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव मोशन ही नहीं है कोई भी, तो ये सब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरे को कैलकुलेट करना है वी ए बी, वी ए बी को लिखते कैसे हैं, इसको समझते कैसे हैं, वी ए बी का मतलब है ए ड्राइवर को क्या लगा बी को देखते हुए, ए ड्राइवर को क्या लगा जब वो बी को देखते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखते कैसे हैं वी ऑफ ए बी, वी बी ए का मतलब बी ड्राइवर की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले आएगा, विद रिस्पेक्ट टू निकालनी है वो बाद में आएगा, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है वी ए बी वेक्टर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अगर आपको वी ए बी वेक्टर निकालना है तो आप वी ए वेक्टर में से वी बी वेक्टर को क्या कर दें, माइनस। मैंने ये नहीं कहा वी ए में से वी बी माइनस कर दें, मैंने कहा वी ए वेक्टर में से वी बी वेक्टर माइनस कर दें। फर्क क्या है यार, क्या फर्क पड़ता है,
फर्क पड़ता है, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये भी तो दे सकता हूँ, ए ड्राइवर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60, बी ड्राइवर विद द वेलोसिटी ऑफ 60, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है? जीरो। ए को क्या लगेगा? बी को देखते हुए जीरो। लेकिन ये भी तो पूछ सकता हूँ, ए मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60, बी मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 60, इनके बीच में एंगल 45 डिग्री है, अब ए को क्या लगा बी को देखते हुए? अब तुम्हें वेक्टर याद आ जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इससे अच्छा आप पहले ही क्या लगा दें इसके ऊपर? वेक्टर लगा दें, वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। तो ऐसी वी बी ए वेक्टर का मतलब वी बी वेक्टर बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो बी अपनी वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को क्या कर देगा? माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर अगर मान लो दो कार जा रही है वी ए एंड वी बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। और ऐसी वी बी ए का मतलब भी क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। प्रैक्टिकली लगता कैसे है? अगर दो कार जा रही है मतलब वेलोसिटी ऑफ 60 एंड 60, कॉमन सेंस कहती है कि ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए? आंसर क्या आएगा? जीरो। मेरा फॉर्मूला यूज कर लो, 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो माइनस टू 60 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ जीरो, क्योंकि दो कार सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल क्या रहेगा? जीरो। कॉस जीरो क्या होता है? वन। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर देखो जीरो। वो तो कॉमन सेंस से पहले ही बता था आंसर जीरो आ रहा है, पर मैं तो अपना फॉर्मूला टेस्ट करवा रहा हूँ कि देखो मेरे फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है, मेरे फॉर्मूले से भी आंसर जीरो आ रहा है। और अगर दो कार्स ऑपोजिट जा रही हैं 60 एंड 60, हाँ हमने मोशन में याद किया था साइक्लिस्ट और ट्रेन वाला क्वेश्चन, अगर दो ऑपोजिट जा रहे हैं ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, वो कोई तरीका थोड़ी ना पढ़ाने का, वो तो मजबूरी थी मेरी, मेरे को वेक्टर मैंने सिखाए ही नहीं थे, मैं कैसे करता? अब देखो अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो उनके बीच में एंगल क्या है? 180, तो अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस टू 60 60 कॉस 180, और मैथ्स में कॉस 180 क्या होता है? माइनस वन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर 120। अब अगर कार जा रही है 60 और 60 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए? अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस 260 इनटू 60 कॉस 45। अब यानी कि किसी भी एंगल पर गाड़ियां जाएंगी हम रिलेटिव वेलोसिटी को एक सेकंड में निकाल लेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें?